हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये रोमपर बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये बनाया है, ये 9 to 12, 18 मंथ तक के बच्चों को आ जाएगा, 9 से लेके। और अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो वो भी मैं बता दूंगी किस तरीके से होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का, और ये जो यार्न है वो 4-ply है। 4-ply में ये पतली वाली यार्न है, गंगा कडली की यार्न है, ठीक है। ये थोड़ी पतली आती है और अलीशा में मोटी आती है। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं 64 chains। तो ये मैं बना रही हूँ 12 to 18 month के लिए। तो देखिए, अगर आप कोई और साइज़ बनाना चाहते हैं तो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो रोमपर का ही वीडियो बनाया हुआ है, उसमें कितना आपको साइज़ लेना है, कितने चेस्ट लेनी है, कितना क्या लेना है, ये मैंने बताया हुआ है। और अलग से मैंने योग के वीडियो बनाए हुए हैं 2-3, तो मैं उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको जो समझ में आए, जो ईजी लगे, आप उसको देख लीजिएगा। और भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे, मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, उन दोनों पर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, 64 में 2+ करेंगे, 1, 2। अब यहाँ से 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, जो चैन 3 हमने छोड़ी है, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। तो यहाँ पे टोटल 66 चैन हुई थी, 64 में 2 और बनाई थी मैंने, तो टोटल 66 चैन थी। उसके बाद हमने यहाँ से 3 स्टिच छोड़े हैं, फोर्थ वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ से अब ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, 2, 3, जो 10 चैन है टोटल 10 बनाएंगे, चैन 3 भी हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैं 10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 10 डबल क्रोशिया हो गए, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे अब हम, ये हमारा फ्रंट है, हाफ फ्रंट इस तरफ से बना रहे हैं, हाफ फ्रंट उस तरफ से बनाएंगे। और ये यहाँ पे हम शोल्डर बनाएंगे, तो जो शोल्डर है इसके लिए हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चैन फर्स्ट, देखिए ये हमने ये 10 बनाए, चैन 1 बनाई, फिर यहाँ से ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं 12 चैन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट शोल्डर है, तो मैं ये भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये 12 बना लिए हमने। अब बनाएंगे हम बैक पार्ट। तो बैक पार्ट देखिए, चैन 1 बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से अब हमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल। तो ये बैक पार्ट होगा, 10 हमने फ्रंट में लिए हैं तो 20 पीछे होंगे। तो देखिए, यहाँ से अब मैं 20 चैंस में 1 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। चैन 1 के बाद ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो मैं बना के यहाँ आ जाती हूँ। तो ये देखिए, ये बैक के 20 हैं। अब देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं ना, तो ये जो चैन 1 के जहाँ पे हम स्पेस दे रहे हैं, यहाँ पे आप मार्कर लगा लीजिए, इससे आपको ये आराम से दिखाई देंगे। क्योंकि इस तरीके से अभी फर्स्ट रो में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, सेकेंड रो में फिर आपको दिखने लगेंगे। तो देखिए, फिर ये हमारे 20 डबल क्रोशिया पीछे के हो गए, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है यहाँ से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो हैं, ये हमारे बैक के, सेकंड वाला शोल्डर है उसके 12 डबल क्रोशिया हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं 12 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, ये दूसरा शोल्डर भी हमने बना लिया है। अब देखिए, चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट 10 स्टिच बचने चाहिए, अगर आपके ज़्यादा हो रहे हैं, एक बार आप पीछे आइए और वापस से काउंट कीजिए कि आपने कहीं गलती नहीं की है। ज़्यादा हो रहे हैं तो आप एक चैन करके हटा दीजिए, लेकिन अगर आपके कम हो रहे हैं तो आपको दोबारा से उधेड़ना पड़ेगा और दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो आप चैन की काउंटिंग और फर्स्ट रो में ये सब चीज़ें काउंटिंग अच्छे से कीजिए, जिससे आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, चैन 1 बनाएंगे और जो 10 स्टिच बचे हुए हैं, 10 चैन बची हुई हैं, उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए, ये पूरा हमने फर्स्ट रो बना ली, चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए, ये जो चैन 1 है वो हमारा स्टिच नहीं है, आप किसी भी रो में इसको चैन 1 को स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं अभी। तो देखिए, यहाँ पे ये देखिए, फर्स्ट वाले जो स्टिच है ये चैन है, ये देखिए बिल्कुल जस्ट फर्स्ट वाला जो स्पेस है
इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब लास्ट में आएंगे तो इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क लगा लीजिए, जिससे लास्ट वाला स्टिच हमारा इसके बीच में बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन होगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और आपको ये स्टिच ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चैन थ्री से स्टार्ट करते हैं तो स्टिच नहीं मिलते। अब देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे। और आपको काउंटिंग अगर आपने फर्स्ट वाली जो रो है इसमें आपने अपनी काउंटिंग सही की है, तो फिर आपको बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं है स्टिच, और बस आप स्टिच पे स्टिच बनाइए जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो अगर गलती नहीं करेंगे तो आपको स्टिच काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आएगा आपका, दोनों शोल्डर बराबर आएंगे, आपके सामने के फ्रंट दोनों हिस्से बराबर आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बनाते हुए यहाँ आ जाती हूँ। अब देखिए ये फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है, तो देखिए यहाँ पे ये जो चैन वन का स्पेस है यहाँ पे वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वापस इसी चैन वन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से ही स्टार्ट करना है, और फिर जहाँ भी चैन वन का स्पेस आएगा उसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन, वन डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड जो रो है हमने लास्ट तक बना ली। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो चैन थ्री थी वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, तो इसकी जो फर्स्ट वाली सबसे ऊपर वाली चैन है इसमें एक डबल क्रोशिया आपको बनाना है, भूलना नहीं है, अगर आपने छोड़ दिया तो आपका एक स्टिच कम हो जाएगा, क्योंकि ये चैन थ्री है जो दिखती नहीं, इसलिए हम चैन वन से स्टार्ट कर रहे हैं हर रो को। चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्टिच बनाएंगे। ठीक है, इससे आपको स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम, देखिए लास्ट यहाँ तक बनेगा और जो लास्ट वाला स्टिच होगा वो यहाँ बनेगा चैन वन के स्पेस में, ये सॉरी चैन वन नहीं है, चैन वन और वन डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे। अब ये जो सेकेंड रो है इसी तरीके से हमें कुछ रो बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ, मैंने कितनी बनाई फिर आपको बताऊँगी। तो फिर यही रो सेकंड वाली रो ही रिपीट करनी है आपको, पहले मैं बना लेती हूँ, इसका योग पूरा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये 10 रो बना ली है। ठीक है, अब 11 वाली रो बनाएंगे, इसमें आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो ये जो इसकी चेस्ट है वो अभी 19 इंचेस के मतलब टोटल नापेंगे, जो टोटल हाफ करके देखिए इस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे तो थोड़ी 19 इंचेस के करीब हो रही है। अभी एक रो और बनाएंगे जिसमें आर्म होल और बॉडी पार्ट को डिवाइड करेंगे, तो ये और थोड़ा बढ़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये कम है तो देखिए यहाँ पे हम चैन का गैप दे देंगे, यहाँ पे दो चैन का गैप देंगे, तो जिससे ये चेस्ट बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ से ये 11 वाली रो है, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए ये जो फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ पे आ जाती हूँ। अब देखिए ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन टू बनाएंगे, वन टू, और देखिए ये जो सेकंड वाला चैन वन का स्पेस है ये वाले बीच वाले स्टिच छोड़ देंगे, और सेकंड वाला जो चैन वन का स्पेस है इसमें एक वन डबल क्रोशिया बना दें। ठीक है, तो ये देखिए आर्म होल डिवाइड हो गया, ये हमारा ये आर्म होल का स्पेस हो गया। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट वाला जो स्टिच है यहाँ से हर एक स्टिच में फिर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो थर्ड वाला चैन वन का स्पेस है यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, तो मैं बनाते हुए यहाँ आ जाती, तो देखिए थर्ड वाला जो चैन वन का स्पेस है यहाँ आ गए हैं, एक थर्ड वाले चैन वन के स्पेस में एक वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और यहाँ भी चैन टू बनाएंगे, और देखिए ये बीच के जो स्टिच हैं इनको छोड़ देंगे, और जो ये फोर्थ वाला चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाऊँगी, यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बनाते हुए मैं लास्ट में आ जाती हूँ यहाँ। और देखिए ये लास्ट वाला स्टिच मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था लेकिन दिखा नहीं पाई थी। तो देखिए ये जो चैन वन और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है लास्ट वाला स्टिच हम इन दोनों के बीच में इस तरीके से, देखिए इन दोनों के बीच में इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है,
अब देखिए 12 वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए जो फर्स्ट वाला चैन टू का स्पेस है ये यहाँ पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो चैन टू का स्पेस है ये तो जो दो चैन हैं इन दोनों पे हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए ये तो हमारा ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इस पर बनाया हमने। अब यहाँ पर आपको देखिए ये टू चैन है, अगर आपको ये चैन ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना दीजिए बीच में, इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप ये जो चैन है इनमें डबल क्रोशिया बनाइए। तो ये देखिए ये दो चैनों में है तो दोनों चैनों में बनना चाहिए, ये स्टिच में नहीं बन जाए। देखिए ये दो चैन यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा स्टिच शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपने ये चैन ठीक से नहीं बनाया इनमें तो अभी यहाँ पे भी आपका एक स्टिच कम हो जाएगा। देखिए वन, और ये सेकंड चैन है, देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये देखिए फिर यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरीके से वो दूसरा जो आर्म होल है उसमें भी हमें इसी तरीके से बनाना है। तो मैं इसको बना के आ जाती हूँ, नेक्स्ट वाली रो बनाएंगे फिर। अब देखिए 13 वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे और फर्स्ट वाली जो चैन है इसमें ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए चैन वन बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट जो दो हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू, फिर चैन वन बनाएंगे, एक स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट दो हैं उनमें वन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो रो है हमें इसी तरीके से बनानी है। ठीक है, तो इस रो को मैं पहले लास्ट तक बना लेती हूँ। तो देखिए ये रो के लास्ट में आ गए हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे मेरे फोर स्टिच बच रहे हैं। तो देखिए चैन वन बनाएंगे, ये फर्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट ये वाला स्टिच छोड़ेंगे और जो नेक्स्ट थ्री हैं, लास्ट थ्री बचे हुए हैं उनमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आपके एक आध एक्स्ट्रा बच रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं उसको। अब देखिए क्या करेंगे, चैन फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर और इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए जो फर्स्ट वाला चैन टू वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू, फिर चैन वन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला है चैन वन का स्पेस इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं लास्ट तक बना के आ जाती हूँ, हर चैन वन के चैन वन बनाएंगे और जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो चैन फोर बनाइए इसमें हमारा चैन थ्री तो फर्स्ट डबल क्रोशिया और चैन वन का स्पेस, इस रो को मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। अब देखिए हम लास्ट में आ गए, यहाँ पे चैन वन बनाएंगे और देखिए ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है ये चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया इसमें टू डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू, फिर से देखिए चैन फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए ये जो फर्स्ट चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू, इस तरीके से। तो मैं लास्ट में बना के आ जाती हूँ, लास्ट वाली में भी किस तरीके से बनाना है ये बता दूंगी, फिर कुछ रो हमें इसी तरीके से बनानी है। तो देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं, ये चैन फोर था हमारा, यहाँ चैन वन बनाएंगे और देखिए ये जो चैन ये देखिए इसमें टू डबल क्रोशिया बना देंगे। वन टू, फिर देखिए चैन फोर से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर, इस तरफ पलट जाएंगे और फर्स्ट वाला जो चैन है वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ रो हमें बनानी है। तो पहले मैं बना लूँगी फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। सॉरी, चैन वन बनाना है यहाँ पे, मैं चैन वन बनेंगे और हर चैन वन के स्पेस में टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो थोड़ी रो में बना लेती हूँ फिर आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर रो बनाई हैं, अब इंक्रीज करेंगे। ये जो पैटर्न है इसकी फिफ्थ वाली रो है, चैन फोर बनाएंगे, वन टू थ्री फोर,
इस तरफ पलट जाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चैन वन बनाएंगे और जो सेकंड वाला है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर चैन वन बनाएंगे, इसके बाद वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से इस रो है को पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक में 3, एक में 2, एक में 3, एक में 2। तो देखिए ये लास्ट वाले में आ गए, यहाँ पे भी ये हमारा लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और इस तरफ पलट जाएंगे और फर्स्ट वाला जो है, देखिए फर्स्ट वाला चैन वन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चैन वन बनाएंगे, सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये वाली रो पूरी कर लेंगे, फिर वापस से इंक्रीज करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए ये 18 वाली रो हमने बना ली है, ये इसमें हमने एक में 2 डबल क्रोशिया, एक में 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अभी 19 वाली रो है, अब यही रो हम आगे तक बनाएंगे। चैन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, इस तरफ पलट जाएंगे। और देखिए पहले हम एक में 2, एक में 3 बना रहे थे, अब हमें हर एक जो चैन वन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 3, चैन वन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हर एक में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। और देखिए जब भी लास्ट में जाएंगे तो ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और चैन 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैन 4 से स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था वैसे ही। तो मैं इसको पहले बना लेती हूँ, फिर मैंने कितनी रो बनाई ये आपको बताऊँगी आगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 डबल क्रोशिया की जो बनाए थे सेट, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो बना रही हैं। तो ये आर्म होल से देख के यहाँ तक 7.5 इंचेस का हो रहा है, ठीक है। तो और आपको कोई और डिटेल जाननी है तो मैंने एक रोमपर का वीडियो बनाया, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हैं, 0 to 24 मंथ तक के बच्चों का क्या नाप लेना है, कहाँ तक कितना रखना है, ये सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए अब क्या करना है, अब हम पहले बटन पट्टी बनाएंगे, उसके बाद फिर नीचे का पोर्शन बनाएंगे। तो देखिए बटन पट्टी के लिए क्या करेंगे, इस तरफ मैं बटन होल बनाऊंगी, इस तरफ बटन लगाने वाला स्पेस बनाएंगे। तो देखिए पहले ये बनाएंगे, तो ये हमारी फ्रंट साइड है। तो देखिए यहाँ पे चैन वन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे सिंगल स्टिच की रो बनानी है। तो आप थोड़ी थोड़ी, ये देखिए ये जो हाफ डबल क्रोशिया हैं इसमें, देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर, या यहाँ पे चैन वन बनाई, एक सिंगल स्टिच, एक सिंगल स्टिच यहाँ, ये जो डबल क्रोशिया की रो है ये, इनमें दो दो सिंगल स्टिच आ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा पास पास मत बनाइएगा, बहुत ज़्यादा दूर मत बनाइएगा, बस इस एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए सिंगल स्टिच। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल स्टिच की रो बना लूँगी मैं एक, ठीक है। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर 3 रो बनाएंगे टोटल, तो पहले एक रो बना लेती हूँ। तो देखिए ये रो हमने पूरी सिंगल स्टिच की लास्ट तक बना ली है। अब देखिए चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे और देखिए फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाते हुए लास्ट में आ जाएंगे, या फिर लास्ट से एक सिंगल स्टिच की रो बनाएंगे और वापस यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। टोटल 3 रो बनाएंगे और अगर आपको लगे कि कम है तो आप 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं, एक सिंगल स्टिच की रो इस तरफ से, फिर इस तरफ से इस तरफ बनानी। तो देखिए यहाँ पर 3 रो बना ली हैं मैंने, अब यहाँ पर बनाएंगे। पहली रो तो हमें सेम ही बनानी है, फिर बटन होल का स्पेस देंगे। स्टिच की काउंटिंग रखिएगा, जितने उस तरफ बनाए हैं उतने ही इस तरफ बनाएंगे, नहीं तो ये जो बटन पट्टी है वो बड़ी छोटी दिखेगी।
अब देखिए चैन वन बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए जैसे उस तरफ बनाए थे ऊपर तक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे, देखिए चैन टू का स्पेस देंगे, वन टू और दो स्टिच छोड़ेंगे और थर्ड वाले से सिंगल स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बराबर दूरी पे जितने आपको बटन होल बनाने हैं उतने मार्क कर लीजिए और बराबर दूरी पे इस तरीके से बटन होल बन जाएंगे। ठीक है, चैन टू का स्पेस देके बटन होल बना लेंगे। तो देखिए ये बटन होल वाली रो हमने बना ली, अब एक रो और बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और देखिए जहाँ पे भी हमने चैन टू का स्पेस दिया हुआ है बटन होल के लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने चैन टू बनाई थी तो इसमें दो सिंगल स्टिच बना देंगे, वन टू। तो जहाँ जहाँ भी हमने बटन होल बनाए हैं वहाँ पे इस तरीके से देखिए बटन होल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस रो को भी मैं पूरा कर लेती हूँ। अब देखिए ये बटन पट्टी हमारी बन गई दोनों, अब देखिए इनको एक के ऊपर एक, ये देखिए बटन होल वाली हमने ऊपर रखी है और जिस पे बटन लगाएंगे वो नीचे की तरफ रखी है। अब देखिए यहाँ पे इसको रख के और इस तरीके से जोड़ देंगे, ये देखिए यहाँ से हम धागा लगाएंगे, दोनों के एक के ऊपर एक रखा है। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री और देखिए यहाँ पे थ्री रो हैं तो एक रो एक स्टिच हमने इसमें बनाया, एक सेकंड वाली में बनाएंगे। चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है और एक ये थर्ड वाली में बनाएंगे। अब देखिए ये जो नेक्स्ट चैन वन का स्पेस है, चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे ये हर चैन वन के स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू थ्री। फिर यहाँ चैन वन बनाएंगे और यहाँ थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को पूरा बना के मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ, हर चैन वन के स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया, चैन वन थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमारे पास जो थ्री इस डबल क्रोशिया के सेट हैं वो 30 हैं, तो 15 हम इस पैर में रखेंगे, 15 हम इस पैर में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने जोड़ लिया है जिसको यहाँ से, देखिए बटन होल और ये जुड़ गए हैं आपस में। अब देखिए थ्री स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये वन टू थ्री, फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, टू डबल क्रोशिया और यहीं बनाएंगे, वन टू। ये 15 वाला है, यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे। तो पहले मैं बना के राउंड में ये 15 वाला है यहाँ तक बना लेते। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये 16, देखिए ये जो चैन वन के स्पेस थी, ये हमारा फर्स्ट वाला था, वन टू थ्री फोर, ये चैन वन के स्पेस काउंट करें, थ्री फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12, 13, 14, 15 और ये देखिए 16 वाला। वैसे तो हमारे पास ये स्पेस थे 15 थे, लेकिन ये देखिए 16 वाले में मैंने बनाया है। तो जब हम दूसरा वाला भी जो होगा उसको यहीं से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लास्ट करेंगे, जिससे क्या है दोनों पैर अलग अलग यहाँ से होंगे और जुड़ भी जाएंगे साथ में, अलग से आपको सिलना नहीं पड़ेगा। तो यहीं से हम दूसरा वाला जो पैर होगा सेम जगह से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाला जो होगा इसमें ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वाले 16 वाले में बना लिया, चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। और देखिए जो थर्ड वाली चैन है, ये देखिए हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, दो स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये देखिए थर्ड वाली चैन, ये
इसमें स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, 3 स्लिप स्टिच बनेंगे, 1, 2 और ये 3। ठीक है, ये हमने जोड़ने से पहले चैन 1 बनाया, अब चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और यहाँ से हर एक चैन 1 का जो स्पेस है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं वापस यहीं आ जाती हूँ। एक रो और बताऊँगी सेम बनेगा जब तक हमें थोड़ा सा मोहरी पे नहीं आ जाते, तब तक हमें इसी तरीके से बना होगा। तो पहले मैं ये वाली रो बना के लास्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, तो देखिए रो के लास्ट में आ गए, ये जो हमने चैन 1 का स्पेस बनाया था यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 ये देखिए बीच में, और ये चैन 1 बनाएंगे और जो थर्ड वाली चैन है उसमें स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। फिर देखिए 2-3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3 फर्स्ट वाले चैन 1 के स्पेस में आ गए, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और हर एक स्पेस में इसी तरीके से बनाते हुए राउंड राउंड स्क्वायर को बना लेंगे। फिर लास्ट में थोड़ा सा मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से करना है, पहले ये वाला हिस्सा हमें ऐसे ही बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 10 रो बना ली हैं। अब टोटल हम जो इसकी लंबाई रखेंगे यहाँ से लेके बिल्कुल एंकल तक 9 इंचेस रखेंगे। तो अब धीरे धीरे हम स्टिच कम करना शुरू करेंगे। ठीक है, 3 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1, 2, 3 अब देखिए स्टिच कैसे कम होंगे। एक स्पेस में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1, 2 चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे, 1, 2 फिर चैन 1 बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें 3 बनाएंगे। तो इसी तरीके से 1 में 2, 1 में 3 इस तरीके से बनाते हुए 2 रो बनानी है हमें। ठीक है, ये वाली बनाऊंगी, इसके अलावा एक और बनाऊंगी। तो देखिए ये 2 रो में हमने 1 में 2 डबल क्रोशिया, 1 में 3 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाया है। अब देखिए ये नेक्स्ट जो 2 रो बनाएंगे हर एक स्पेस में 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। अगर आप एकदम से स्टिच कम कर देंगे तो इसका शेप एकदम से ख़राब हो जाएगा। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और हर एक चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं नेक्स्ट 2 रो में। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। अब देखिए ये हमने 2 रो बना ली जिसमें हर एक चैन 1 के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं। अब देखिए चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और इस नेक्स्ट वाले स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये चैन 1 का स्पेस छोड़ते जाएंगे और हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बना लेंगे। ये दोनों डबल क्रोशिया में 1-1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चैन 1 का स्पेस नहीं बनाना है, हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बना। अब देखिए ये हमने हर एक स्टिच पे 1-1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो चैन 3 हमने बनाई थी थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच बना दें। ठीक है, अब हमें जो लास्ट तक इसकी रो जो बनानी है टोटल 9 इंचेस हो जानी चाहिए इसकी लेंथ। तो हर एक स्टिच में 1-1 स्टिच ही बनाना है, अब कुछ हमें चेंजेस नहीं करने हैं। थर्ड वाली चैन पे स्लिप स्टिच अटैच करेंगे, चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3 और देखिए अगर आपको चैन 3 में प्रॉब्लम होती हो, चैन 3 आपको समझ में नहीं आती हो तो आप क्या कीजिए चैन 1 से स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं दिखाती हूँ, चैन 1 बनाइए और जस्ट यहीं पे एक डबल क्रोशिया बना दीजिए। तो जब लास्ट में आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में लास्ट वाला स्लिप स्टिच बनाएंगे इन दोनों के बीच में। फिर चैन 3 बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे आपको स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हर एक स्टिच में 1-1 डबल क्रोशिया बना के
इसकी टोटल लंबाई पूरी कर लेंगे। आपको दूसरा कलर लगाना है तो इसमें बॉर्डर में दो कलर लगा, एक कलर और मैं क्रीम कलर की लास्ट की दो तीन लाइनें जो बनाऊंगी वो क्रीम कलर में बनाऊंगी। तो इसी तरीके से आपको ये लास्ट तक बनाना है। तो पहले ये वाला बना लेती हूँ मैं, फिर दूसरा आपको कैसे स्टार्ट करना है वो बता दूँगी, दूसरा वाला जो पैर है, और लास्ट तक फिर बनाना सेम तरीके से ही। तो देखिए ये जो दूसरा वाला पैर हम बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट वाला, ये दूसरा वाला देखिए, ये वाला जो है यहीं से हम धागा लगाएंगे, और इसको मैं बैक साइड से बना रही हूँ, मुझे यहाँ से सीधा पड़ रहा है। ये देखिए जिसमें हमने पहले लास्ट वाला 3 डबल क्रोशे का सेट बनाया था उसी से स्टार्ट करना है। चैन 3 बनाएंगे, वन वन टू थ्री, 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे यहीं पे, वन टू। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे और हर एक चैन 1 के स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाते हुए मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, ठीक है। लास्ट में आ जाती हूँ, रोके यहाँ तक। तो देखिए यहाँ एंड में आ गए हम, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए जिसमें हमने ये देखिए स्टार्ट हमने इससे किया था तो इसमें ही सॉरी 3 डबल क्रोशे का सेट बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। चैन 1 बनाएंगे और देखिए ये जो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला 3 डबल, ये चैन 3 का स्पेस है, सॉरी चैन 3 हमने जो स्टार्ट की थी उसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आपको लगता है थोड़ा सा खुला है तो आप थोड़ा सा ज्वाइन कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे 3 1 2 3, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे, और इसी तरीके से इस रो को लास्ट तक बना के मैं आ जाती हूँ, ठीक है। तो देखिए लास्ट में यहाँ आ गए, ये लास्ट वाला चैन 1 का स्पेस है, ये देखिए अब इसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, चैन 1 बना लिए, यहाँ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, चैन 1 बनाएंगे और थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए ये हमें रो अब जो बनाना है वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाना है, और देखिए इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये देखिए इतना हल्का सा स्पेस है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए एक आप यहाँ से थोड़ा सा ये 3 डबल क्रोशे यहाँ बना के और 3 डबल क्रोशे यहाँ बना के, या एक दो आप स्टिच बना के और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। वैसे देखिए बहुत हल्का सा स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बड़ा है तो आप यहाँ से 2-3 चैन बना के देखिए, यहाँ से 2-3 चैन बनाई और यहाँ पे अटैच कर दीजिए, स्टिच मत बनाइए, 2-3 चैन यहाँ से बनाइए, यहाँ धागा अटैच की दिए, 3-4 चैन बना के और यहाँ पे अटैच कर दिए, तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा जो पैर है वो भी हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया था। तो इसको मैं बना लेती हूँ, फिर हम इसकी स्लीव और कॉलर बनाएंगे। अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो देखिए स्लीव के लिए क्या करना है, ये जो हमने 2 स्टिच बनाए थे इन दोनों के बीच में से यहाँ से धागा लगाएंगे, तो देखिए ये हमने यहाँ से धागा जोड़ लिया, चैन 1 बनाएंगे, और देखिए 1 स्टिच हम जस्ट ये नेक्स्ट वाले स्टिच में बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया। चैन 1 जो है वो हमारा स्टिच नहीं है, और देखिए ये यहाँ पे एक यहाँ पे बनाएंगे, सॉरी 2 यहाँ पे बना देंगे जिससे ये हमारा सेट पूरा हो जाएगा, फिर ये वाला स्पेस हम छोड़ देंगे, ये 2 यहाँ पे, तो 3 का सेट हो गया। चैन 1 बनाएंगे और ये वाला जो स्पेस है इसको छोड़ देंगे, और देखिए यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, ये देखिए इसमें ये हमारा चैन का स्पेस था जहाँ से हमने आर्म होल और बॉडी पार्ट डिवाइड किए थे, ये इस एक इसमें, एक नेक्स्ट में और एक इससे नेक्स्ट वाले में, 1 डबल क्रोशिया। चैन 1 बनाएंगे, 1 स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट 3 में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से इस रो को मैं पूरा कर लेती हूँ।
तो देखिए यहाँ रो के लास्ट में आ गए हम, ये वाला जो स्पेस है इसको छोड़ देंगे, चैन वन बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से बस आपको थ्री के सेट बनाने हैं, और बराबर ध्यान रखिएगा जितने इसमें बनाए हैं दूसरे स्लीव में भी उतने ही सेट बनेंगे, कम ज़्यादा हो जाएंगे तो एक आस्तीन बड़ी एक छोटी हो जाएगी। टू थ्री, एक ही जगह पर दो बना दिए हैं, ये लंबा स्टिच है। अब देखिए यहाँ पर चैन वन बनाएंगे, और जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया हमने चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए थ्री स्लिप स्टिच बनाएंगे, टू थ्री, फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे, और जैसे हम बना रहे थे पहले चैन थ्री बनाएंगे। आप चाहें तो चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए चैन वन बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री। जब आप आएंगे तो ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे आप इसको स्लिप स्टिच अटैच कीजिएगा, तो इससे आपको स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वाली जो चैन होती है चैन नहीं मिलती, फिर चैन वन बनाएंगे, और यहाँ पे हर चैन वन के स्पेस में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये रो और मैं बता देती हूँ, फिर थोड़ा लास्ट तक हमें लास्ट में थोड़ा सा कम करना है, तब तक हमें यही रो बनानी होगी। तो ये रो बना के मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ। तो देखिए लास्ट तक हमने बना लिया, फिर चैन वन बनाएंगे, और ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर थ्री स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे। तो देखिए ये जो रो है हमारी ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से बनेगी। अभी यहाँ है, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ से शुरू होगा, उससे नेक्स्ट वाला यहाँ से शुरू होगा, तो ये राउंड राउंड घूमेगी। तो ये हम कुछ रो बना लेंगे, तो पहले मैं बना लेती हूँ फिर बताती हूँ कितनी रो मैंने बनाई है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 रो बना ली हैं। अब फिर से स्टिच कम करेंगे, जैसे हमने वहाँ पे किए थे वैसे ही कम करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट वाले चैन वन के स्पेस में आ गए, चैन वन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, वन टू, चैन वन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो रो दो रो हमें ऐसे ही बनानी है लास्ट की, तो टोटल हम 7 इंचज से थोड़ा सा कम रखेंगे स्लीव की लेंथ, ठीक है। ये दो रो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये 12th वाली रो का लास्ट है, यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच अटैच कर लेंगे। देखिए चैन वन बनाएंगे और स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे फिर हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, चैन वन का स्पेस छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमें थ्री रो और बनाऊँगी मैं, ये एक पर्पल कलर में बना रही हूँ एक या दो, फिर उसके बाद मैंने व्हाइट कलर की इसमें आउटलाइन दी है, तो दो रो में व्हाइट लाइन व्हाइट कलर की बनाऊंगी, ठीक है। इसको मैं बना के और जो दो रो और हैं जो बना लूँगी, फिर इसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। अब देखिए इसका कॉलर बनाएंगे, कॉलर के लिए ये जो बटन पट्टी है इसके जस्ट बाद से, ठीक है, ये धागे हम बाद में स्टिचेज में डाल के इनको फिनिश कर देंगे। ये देखिए बटन पट्टी की ये फर्स्ट वाली जो रो है ये देखिए बिल्कुल जस्ट कॉर्नर से यहाँ से धागा लगाएंगे। चैन वन बनाएंगे और यहीं पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अगर हाफ डबल क्रोशिया से हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आपने डबल क्रोशिया से बनाया तो ये फैल लंबा जल्दी हो जाएगा और कॉलर ढंग से नहीं बन पाएगा। और फिर देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए, फर्स्ट वाले में हमने टू बनाए हैं, और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ लास्ट में आ जाऊँगी कॉर्नर में। ये देखिए बिल्कुल जस्ट से बटन पट्टी से पहले, तो देखिए लास्ट में यहाँ आ गए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें भी टू डबल क्रोशिया बनाना है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया, वन टू। फिर देखिए चैन वन बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे, और जो फर्स्ट वाला डब स्टिच है इसमें टू हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो हर बार जो रो होगी उसमें हमें फर्स्ट और लास्ट वाले स्टिच में ही टू हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसी तरीके से आपको जितनी रो बनानी है, लास्ट में जाएंगे तो जो फर्स्ट चैन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है उन दोनों के बीच में टू हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो एक बार बता देती हूँ मैं लास्ट में आके, फिर ऐसे ही आपको बनाना है। तो जितनी बड़ी आपको कॉलर करनी है इसी पैटर्न में होगी, ठीक है। तो देखिए ये हमारा लास्ट
चैन वन और फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो आप अगर आप मार्क कर लीजिए आपको दिख नहीं रहा तो, क्योंकि चैन थ्री में भी करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखिए ये इन दोनों के बीच में टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये बनाना है, तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि बनकर कैसा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैंने पूरा बना लिया है, और ये देखिए ये इसका कॉलर है, थोड़ा कॉर्नर ठीक से निकल रहा है, ये देखिए इस तरीके से ये कॉर्नर आ रहे हैं इसके। बटन अभी मैंने इसमें नहीं लगाए, ये एक सर्टन रिबन का ये डाल दिया है, और ये इसकी स्लीव्स है, ये देखिए। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।